चोरी हुए रुपयों की कार्रवाई ना होने से नाराज बिरद 12 दिन धरने पर बैठा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बीते कुछ दिनों पहले फलदान की खरीद करने के लिए सामान उनके मित्र व सहयोगी के साथ गए थे, जिसकी लापरवाही के चलते रुपयों से भरा बैग दुकान से चोरी हो गया, जिसका जिम्मेदार दुकान संचालक व शिकायतकर्ता का मित्र बता रहे हैं। जिसकी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई ना होने का आरोप लगाते हुए वृद्ध 12 दिन घंटा घर पर आंचन पर बैठा हुआ है और कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। मेरा नाम कैलाश चंद्र राणा है, मैं अध्यापक हूँ, नेहरू नगर ललितपुर का निवासी हूँ मैं। 10 नवंबर की घटना है, 10 नवंबर में मेरी बच्ची का फलदान ग्वालियर से आ रहा था, तो मैं 11:30 बजे के आसपास कैश नई करेंसी लेने गया था। मैं बैंक से मैंने 4.5 लाख कैश लेकर के सीधे फोर व्हीलर में बैठ के सीधे वे नजाई बाजार में स्थित न्यू काजू कॉर्नर ड्राई फ्रूट सेंटर दुकान का नाम है, उस दुकान में एक दिन पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स बुक किए थे। तो सीधे बैंक से मैं वहाँ पर पहुँचा, मेरे साथ तीन जने थे, मैं, मेरे बहनोई साहब और मेरा मित्र आया था चित्रपुर से, राजेंद्र कुमार दुबे चित्रपुर रहने वाले हैं। जैसे बैंक से निकले हम करेंसी लेके, तो उन्होंने मेरे हाथ से बैग मांग लिया, कह लिया माशा मैं बैग पकड़े हूँ आपका, आप चलिए। तो ठीक, हम लोग बैठ के सीधे दुकान में गए। बैग में क्या था? बैग में मैंने SBI बैंक ललितपुर से 4.5 लाख करेंसी ली थी, पुराने नोट मतलब थे, तो फलदान में नए नोट रखे जाते हैं ऐसे, मतलब उस हिसाब से मैं लेने गया था। करेंसी उन्होंने दी और सीधे फिर फोर व्हीलर से नजाई बाजार में ड्राई फ्रूट सेंटर पर गया जी। तो सेंटर पर लेने गया, वहाँ पर तो कुछ मैं पहले बुक करा गया था ड्राई फ्रूट्स, तो वहाँ पर उसने 2 डलियाँ बुक नहीं की, मतलब पैक नहीं की थी, उसने कहा बैठ जाइए करीब आध घंटा का समय लगेगा। तो मैं खड़ा रहा, मित्र हमारे बहन सब बैठ गए और उसे पैकिंग के दौरान आध घंटा का समय हो गया। और जैसे ही पैक हुई तो बहनों शाम में डिग्गी जाके डिग्गी खोली गाड़ी की, उसके कर्मचारी ने एक एक करके उठाने लगा, मैं अपने जेब से निकाल के उसके पेमेंट किया और उस फिर मैं निकला दुकान के बाहर और मैं तभी चला आया। अच्छा, उसके जाने के बाद एक मुश्किल से 100 कदम ही निकले होंगे तो मेरी नज़र मेरे मित्र पर पड़ी। मैंने कहा भाई बैग कहाँ है आप लिए हो? तो वो गाड़ी खड़ी करके तुरंत रुका और दौड़ लगाया, कहा दुकान में छूट गया, क्योंकि उसी के हाथ में दुकान बैग था पैसे का। अच्छा, वहाँ पर जाने के बाद वो गया, पीछे से हम लोग भी गए गाड़ी खड़ी करके, और जैसे पहुँचे तो दुकान वाला बोला कि यहाँ पर आप लोग कोई बैग नहीं छोड़ के गए, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पुनः हम लोग आए, गाड़ी की अच्छी छानबीन की, हो सकता है कि अगल बगल कहीं छूट गया हो, बस मैटर ये है। उसके बाद फिर हम लोग कोतवाली में गए, वहाँ पर कोतवाल साहब से बात की, कोतवाल साहब अपने फौज दल के साथ में आए, काफ़ी लोग आए थे संख्या में, दुकान में आए, दुकान की तहकीकात की, देखा उन्होंने जनरली ऐसे आगे पीछे, और उसके बाद फिर जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर गए, वहाँ चेक किया। अच्छा, जब से फिर हम लोग SP साहब से मिले, DM साहब से भी मुलाकात की, CEO सदर साहब से भी मुलाकात की, कागज़ भी मैंने लिखित दिया सब चीज़, काफ़ी दिनों के लिए जब ये होता रहा नहीं कोई कार्रवाई। अब संदेह तो ऐसा लग रहा है कि मुझे संदेह है कि जैसे मेरे मित्र ने मुझसे बैग लिया था कि मैं पकड़े हूँ बैग और दुकानदार ने छोड़ दिया, तो दुकान में छूटा चूंकि बैग तो दुकानदार के ऊपर शक है, और इस मित्र ने इतनी बड़ी लापरवाही की जिसमें 4.5 लाख कैश अगर उसने लिया था उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। मित्र का नाम राजेंद्र कुमार दुबे है, वो भी टीचर है, कहाँ के वाला है? ग्राम खारौंद मानिकपुर जिला चित्रकूट करवी। तो मांग हम लोगों की यही है कि 1 तारीख से मेरे पिताजी जो वृद्ध है, जिनकी उम्र 86 वर्ष की उम्र है, वे रिटायर ग्राम विकास अधिकारी रह चुके हैं, मेहरौनी ब्लॉक से रिटायर हुए थे, उन्होंने अपने आजीवन जनसेवा की, जनता की सहयोग करते रहे और रिटायर हो गए। उस बच्ची के उनके नातनी की 10 तारीख को थी, तो जब इतने बड़ा मतलब सदमा मतलब वो हो गया, घटना घटी मेरे साथ मेरे, तो उन्हें काफ़ी सदमा लगा। डायरेक्ट उन्होंने मिलने के बाद फिर 1 तारीख से धरने पर घंटा घर पर बैठे हुए हैं। अब बैठने के पहले सब जगह इतला कर दी गई थी, सबको सूचना दे दी गई थी, 1 तारीख से बैठे हुए, आज 12 तारीख है, 12वां दिन बैठे हैं वहाँ पर। 12 दिन होने के बावजूद भी कोई भी प्रशासनिक, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का कोई भी बंदा वहाँ तक आज तक ये पूछने या नहीं आया कि आप क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। तो पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही, कप्तान साहब आज तक नहीं, उन्होंने ये भी नहीं मतलब किसी को भेज करके कुछ थोड़ा सा जानकारी करवे कि आखिर क्या हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं, कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही। अब प्रशासन से तो मेरी यही मांग है कि जब तक हमारी पूरी अच्छी तरह से पैसे की छानबीन में पैसे की बरामदगी नहीं होती है, तो मेरे पिताजी का कहना है कि मैं ऐसे यहाँ पर धरना बैठूँगा, धरना अगर मैं काम नहीं चलता तो मैं आमरण अनशन पर आ जाऊँगा। फिर
और मेरा मांग ये है पुलिस से कि उस बैग दुकानदार जहाँ पर बैग छूटा था और साथ में जो बैग लिए थे मैं रमित राजेंद्र कुमार दुबे, इन दोनों से पूछताछ गहन पूछताछ की जाए, पैसे की बरामदगी करवाई जाए।